प्रधानमंत्री आवास के एक तंग कमरे में दो टेलीप्रिंटर खड़खड़ा रहे थे। खड़खड़ाहट के साथ वे लगातार शब्द उगलते जा रहे थे। सुबह की सुस्त कर देने वाली घड़ी में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI और यूनिटेक न्यूज ऑफ इंडिया यानी UNI का यह नाइट कॉफी था, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा था। आमतौर पर इन मशीनों पर किसी की नजर नहीं होती थी, कम से कम इतनी सुबह तो कभी नहीं। हाँ, तो आइए दोस्तों आज बात करते हैं तानाशाह की ओर बढ़ रहे उस समय की घटनाओं के, जब इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। आखिर किस जज ने इंदिरा के सामने घुटने टेकने से इनकार किया था और जिसके कारण इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा की थी। rebellionvoice.com में आपका स्वागत है। और जो भी हम आज बताने वाले हैं, आपको यह बता दे कि यह कुलदीप नायर की लिखी हुई पुस्तक इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी से ली गई घटनाएं हैं। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के सबसे वरिष्ठ निजी सचिव कृष्ण अय्यर सेशन घबराहट के साथ एक मशीन से दूसरे मशीन की ओर भाग रहे थे। उस कमरे में एक भयानक सी छुपी थी, जिसको कि घड़ी की टिक टिक और टेलीफोन की रिंग भी नहीं दबा पा रही थी। एक बड़ी खबर आने वाली थी और सेशन बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। यह वही दिन था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस JM लाल सिन्हा यानी जगमोहन लाल सिन्हा एक याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाले थे। यह याचिका राजनारायण ने 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल की थी। सुबह के 10 बजने वाले थे। कुछ ही देर पहले आनन फानन में एक टेलीफोन इलाहाबाद किया गया और जानकारी मिली कि जज साहब अभी तक अपने कमरे में नहीं आए हैं। यह सिन्हा भी विचित्र इंसान है, यह बात सेशन के दिमाग में चल रही थी, जो कि इंदिरा गांधी के वरिष्ठ सचिव थे। हर इंसान की एक कीमत होती है, पर सिन्हा को कोई खरीद नहीं सकता। सिन्हा की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती और न ही उसे झुकाया जा सकता है। यहाँ तक तो इंदिरा गांधी ने तो यहाँ तक किया था कि अपने गृह राज्य के एक अपने करीबी सांसद को जस्टिस सिन्हा के घर भेजा था और उन्होंने सिन्हा से पूछा था, क्या 5 लाख अगर मिले तो आप फैसले को श्रीमती गांधी की ओर मोड़ सकते हैं। सिन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया था और चुपचाप वहाँ से निकल लिए थे। इसके बाद उनके उसी बेंच के एक जज ने उनसे यहाँ तक कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो ये फैसला मान लेते तो हाई कोर्ट से उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना दिया जाता। इस पर सिन्हा उस जज को सिर्फ देखते रहे और एक शब्द तक नहीं कहा। ऐसे थे जस्टिस सिन्हा। सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी जिससे वो फैसला टाला जा सके। प्रधानमंत्री के निजी सचिव ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह अनुरोध किया कि कम से कम वह सिन्हा पर यह दबाव बनाए कि फैसले को कम से कम प्रधानमंत्री के विदेश दौरे तक तो टाल दिया जाए। जस्टिस सिन्हा इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन घुमाया और कहा कि वह घोषित कर दे कि फैसला 12 जून को सुनाया जाएगा। 8 जून को होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को कम से कम सिन्हा ने ध्यान रखा, यही उन्होंने बहुत किया इंदिरा गांधी के लिए, ऐसा उनका मानना था। और मजेदार बात यह थी कि इस कोर्ट के फैसले में क्या आने वाला है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। ना ही सेशन, जो कि भारत सरकार के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, और ना ही खुफिया विभाग के किसी अधिकारी किसी मुलाजिम को इस बात की भनक थी कि आखिर फैसला क्या आने वाला है। यह बात तो बस 2 लोगों को मालूम थी, एक जस्टिस सिन्हा और उनके स्टेनोग्राफर, कि क्या फैसला आने वाला है। फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा 11 जून को ही सिन्हा के मौजूदगी में टाइप किया गया था और स्पष्ट रूप से सिन्हा ने उसी समय अपने स्टेनोग्राफर को कहा था कि वह गायब हो जाए, क्योंकि उनको शक था कि श्रीमती गांधी के वफादार ऑफिसर उस स्टेनोग्राफर को जरूर परेशान करेंगे। सिन्हा ने अपने फैसले को पूरी तरह अपने तक ही रखा था। उस केस की सुनवाई के दौरान भी यह पढ़ पाना मुश्किल था कि वो उनका झुकाव किस ओर है, क्योंकि वे इस बात का अच्छा ध्यान रखते थे कि जब एक सवाल इस पक्ष से पूछा जाए तो उतने ही सवाल दूसरे पक्ष से भी पूछा जाए, यदि 2 सवाल इनसे तो 2 सवाल उनसे। तो किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया कि आखिर उनका फैसला क्या होगा। यह सुनवाई लगभग 4 साल चली थी। 23 मार्च 1975 को जब सुनवाई पूरी हुई तो उसके बाद वे न तो अपने घर से बाहर निकले और न ही किसी के फोन का जवाब दिया। उधर टेलीप्रिंटर लगातार खड़खड़ा रहे थे और सेशन बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे। 10 बजने में 5 मिनट शेष रह गए थे। समय के पवन सिन्हा कोर्ट में जरूर पहुंच गए होंगे, ऐसा उन्होंने अंदाज लगाया। जी हाँ, वे पहुंच चुके हैं। दुबले पतले 55 साल के जज साहब गाड़ी से सीधे कोर्ट में पहुंचे। कमरा नंबर था 24। जैसे ही वे अपने कुर्सी पर बैठे, अच्छे कपड़ों में तैयार होकर आए पेशकार ने खचाखच भरे कोर्ट में आवाज लगाई, महानुभावों ध्यान से सुनिए, जज साहब जब राज नारायण के याचिका पर फैसला सुनाएंगे तब कोई तालियां नहीं बजनी चाहिए। उनके सामने 258 पेज के फैसले के साथ मौजूद सिन्हा ने कहा कि मैं इस केस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केवल निष्कर्ष को पढ़ूंगा। फिर उन्होंने कहा, याचिका स्वीकार की जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हर्ष ध्वनि से कोर्ट रूम गूंज उठा।
अखबार वाले टेलीफोन की तरफ भागे और खुफिया विभाग के लोग अपने दफ्तरों की तरफ। 10:02 पे सेशन ने UNI की मशीन पर घंटी की आवाज सुनी और फ्लैश मैसेज देखा, श्रीमती गांधी अपदस्थ। सेशन ने मशीन की पेज को फाड़कर निकाला और एक कमरे की तरफ भागे जहां प्रधानमंत्री बैठी थी। कमरे के बाहर उनकी मुलाकात उनके बड़े बेटे राजीव से हुई, जो इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। उन्होंने यह संदेश राजीव को दिया, उन्होंने आपको अपदस्थ कर दिया, राजीव ने अपनी माँ से कहा। यह खबर सुनकर श्रीमती गांधी के चेहरे पर भाव ज्यादा नहीं बदले, शायद यह सुकून महसूस कर रही थी कि चलो इंतजार तो खत्म हुआ। एक दिन पहले वो पूरी तरह से सोच में डूबी थी। इस परेशानी को एक दुखद समाचार ने बढ़ा दिया था कि करीबी मित्र दुर्गा प्रसाद के घर, जो एक कैबिनेट मंत्री थे, फिर मास्को में भारत के राजदूत बने, उनका निधन हो गया था। लेकिन उस सुबह वे अधिक प्रसन्न दिख रही थी। एक फ्लैशबैक यह भी आया कि उन्हें निर्वाचित पद पर बने रहने से भी वंचित कर दिया गया है, यानी अगले 6 वर्षों तक वह किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं रह सकती। इस फैसले ने उनको झकझोर दिया, मानो वे अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयास कर रही हैं। सुस्त कदमों से वे बैठक वाले कमरे की तरफ जा पहुंची। सिन्हा ने उन्हें उस चुनाव में 2 भ्रष्ट आचरण करने वाले ऑफिसरों को भी दोषी ठहराया। पहला दोष यह कि उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का इस्तेमाल चुनाव में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते उनका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। सिन्हा ने यह भी कहा कि भले ही कपूर ने श्रीमती गांधी के लिए चुनाव प्रचार 7 जनवरी से शुरू किया और अपना इस्तीफा 13 जनवरी को दिया, लेकिन वे सरकारी सेवा में 25 जनवरी तक बने हुए थे। जज के अनुसार श्रीमती गांधी ने उस दिन अपने आप को उम्मीदवार मान लिया था जब 29 सितंबर 1970 को उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया था और चुनाव में उतरने की घोषणा की थी। यह आरोप एक प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए बेहद मामूली थे। यह वैसा ही फैसला था जैसे प्रधानमंत्री को ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए अपदस्थ कर दिया गया हो। लेकिन कानून तो कानून होता है और पूरी तरह से स्पष्ट था कि चुनाव में किसी सरकारी सेवक से अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मदद को भ्रष्ट आचरण माना जाता था। अपने फैसले में सिन्हा ने यह भी कहा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, प्रधानमंत्री के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था उससे जिससे वो अलग फैसला सुना सकते थे। यहाँ तक कि कानून के उल्लंघन की सजा भी निश्चित थी और जज के पास अपनी मर्जी चलाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये था वो फैसला जिस जज ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट सुनाया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार ने भारत को एक इमरजेंसी में धकेल दिया, जिसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है। तो ये थे जस्टिस JM लाल सिन्हा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे। तो आगे और भी जानेंगे रोचक किस्से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।